नमस्कार। भारतीय संस्कृति में सुख समृद्धि की वस्तुएं, मेरे पास ये है माँ लक्ष्मी का छोटा सी प्रतिमा। बहुत अद्भुत है, आपने ऐसी प्रतिमा नहीं देखी होगी। ये लक्ष्मी जी हैं, अब बड़ा देखेंगे बड़ा करके। माँ लक्ष्मी जी का चतुर्भुज रूप धातु की बनी हुई है और छोटे रूप, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली हैं। अपने घर में स्थापित करने से धन में, समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। दूसरे दैन्य दीनता दुर्बलता आदि दूर जाती हैं, क्योंकि आजकल कहा गया कि सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति है। यदि आपके पास धन है, समृद्धि है, तो सारे गुण आपके अंदर हैं। धन का बात है जब लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, तो लक्ष्मी प्रसन्न करने के लिए तो लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी पूजा करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा लक्ष्मी और कुलक्ष्मी के बात। लक्ष्मी के दो वाहन हैं, उल्लू और गरुड़। गरुड़ में भगवान विष्णु के साथ बैठती हैं और उल्लू पर अकेली आती हैं। ये बस इसको ध्यान कर लीजिए, उल्लू पर लक्ष्मी अकेली आएंगी तो उसे कहते हैं कुलक्ष्मी। यानी अनैतिक तरीके से पैसा आना, नेगेटिव वस्तुओं से आप चोरी रिश्वत जुआ आदि से पैसा आता है और टिकता नहीं है, इसलिए उल्लू पर लक्ष्मी का आह्वान ना कीजिए। भगवान विष्णु उनके परिदेव हैं, इनके जो हैं, और दोनों को साथ साथ आह्वान करें तो गरुड़ पर बैठ जाती हैं। गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी आती है, समझो कि अब घर में धन धान्य समृद्धि बढ़ती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और सारे कष्ट दूर जाते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का आह्वान करें और इसको अपने दिवाली पर, नवरात्रि में या किसी भी अष्टमी को, त्रयोदशी को अथवा पूर्णमासी को भगवान विष्णु के साथ में स्थापित करें तो घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और निरंतर वृद्धि होगी। लेकिन वही बात, ये मूर्ति है, मंदिर मूर्ति होती हैं, उसको प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, कहते हैं कि उसके अनुष्ठान करने पड़ते हैं। घर में भी अपनी सिद्धि के लिए काम करना करते हैं तो उसके लिए भी हम थोड़ी प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिष्ठा अर्थात अभिमंत्रित भगवान माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों से, ओम श्रीम श्री नमः, या कनकधारा स्तोत्र से, या लक्ष्मी सूक्त से, या श्री सूक्तम के पाठ करके इसको सिद्ध कर लें और बाकी इसको भी अपने घर में विष्णु जी के साथ स्थापित कर दें। समझो घर से आपकी दरिद्रता, नेगेटिव कलेश सब निकल जाएंगे। धन्यवाद।